अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी है कीमा मैक्रोनी, जिसमें हम डालेंगे टमाटर, प्याज, आलू, धनिया, हरी मिर्च, ऑयल और ये सालन मसाला, नमक और ये जीरा। और फिर हमने पतीले में पानी डाला है ताकि वो गर्म हो जाए। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। अब हमने इसमें मैक्रोनी डाली है। हमने कुकर में ऑयल डाला है। अब हमने इसमें प्याज डाला है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अभी प्याज लाइट ब्राउन हो गया, अभी हम इसमें सालन मसाला डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच सालन मसाला डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच धनिया, एक चम्मच जीरा डालेंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट बन चुका है। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हम इसमें एक कप पानी डालेंगे। ये मटन कीमा इसीलिए हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। जी नाज़रीन, हमारी मैक्रोनी उबल चुकी है। अब हम इसको कीमा में ऐड करेंगे। कीमा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और सोया सॉस ऐड करेंगे। डू प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप अच्छी अच्छी रेसिपीज देख सकें। 10 मिनट तक अब हम इसको हल्की आंच पर छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं हमारा डिश तैयार हो चुका है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।